यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर के निवासी भाजपा नेता चंद्रपाल खड़गवंशी से पेट्रोल पंप लगवाने के बहाने 27.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में चंद्रपाल खड़गवंशी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर के रहने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य चंद्रपाल खड़गवंशी को पेट्रोल पंप लगवाने का झांसा देकर उनसे 44 लाख रुपए लेकर उनमें से 27.5 लाख रुपए हड़प लिए। उनका आरोप है कि उनके यहां मनोज कुमार निवासी बढ़िया नजीबाबाद जनपद बिजनौर का आना जाना था। आरोप है कि पिछले वर्ष 11 फरवरी को मनोज कुमार उनके घर आया और कहा कि उनके दोस्त आदर्श बंधु पेट्रोलियम मंत्रालय में बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनके कोटे में 5 पेट्रोल पंप आए हुए हैं। एक पेट्रोल पंप पवन चौहान अमरोहा में लगवा रहे हैं। एक पंप पर 60 लाख रुपए खर्च आएगा। अप्रैल 2019 के दूसरे सप्ताह में पेट्रोल पंप का काम शुरू हो जाएगा। कई माह बीतने के बावजूद भी पेट्रोल पंप की कार्यवाही शुरू न होने पर रुपए वापस मांगने पर विभिन्न बार में 16.5 लाख रुपए वापस किए, जबकि 27.5 लाख के लिए कई बार वह एटा के चक्कर लगा चुके हैं। आरोप है आदर्श बंधु की मां चंद्रकला, पत्नी गुंजन यादव उर्फ वीनस बंधु तथा एक मनोज नाम के व्यक्ति ने उन्हें दोबारा रुपए मांगने के लिए एटा पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद चंद्रपाल खड़गवंशी ने हसनपुर कोतवाली में सभी आरोपित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराने को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोल पंप का मामला एक हमारे समाज सेवी मित्र यहाँ घर आना जाना था, उन्होंने हमें बताया कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके अच्छे संबंध हैं और 5 पेट्रोल पंप हैं, उसमें एक पवन चौहान जी लगवा रहे हैं, एक आप भी लगवा लो और एक और बताए कि 3-4 पंप अमरोहा के लिए हम दिलाएंगे तो एक आप भी ले लो। कितने में? उन्होंने बताया कि सब कुछ तैयार करके देंगे 60 लाख में, ये पैसे इस खाते में ट्रांसफ़र कर दो। हमने 2 बार में 44 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। आप आदर्श बंधु एटा का उनका पता था, फरवरी में दिए, मार्च में दिए, फिर अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। 19 बीत गई, 20 शुरू होगी। हम बार बार जाते भी रहे, घर भी गए 2-3 बार, तो उनके घर खुद नहीं मिले, वो आदमी खुद नहीं मिला, उनकी पत्नी माँ एक बच्चा एक और उनका कोई रिश्तेदार होगा वे मिले। हमने प्रयास करा लेकिन उन्होंने पैसे देने की कोई वो नहीं समझे कि पैसे इनके वापस करेगा। उसके बाद हमने फिर पुलिस प्रशासन को तहरीर दिए कि हमारे पैसे इन इन डेटों में गए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं और ये हमारे पैसे दिलवाए जा, ये लोग इसमें शामिल हैं। क्या मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। कितने रुपए की बात हुई? रुपये 16.5 उन्होंने वापस करे हैं बैंक के माध्यम से ही, जैसे लिए हैं उसी खाते में उसी से दिए हैं और 27.5 बाकी रह गए हैं। और काफ़ी कया लेकिन उस आदमी ने हमारी बात सुनी, मोबाइल भी बंद कर रखा है जो हमसे। कितने लोग हैं आपके साथ खड़े हुए? एक तो मैं ही हो गया, एक पवन चौहान है और एक मनोज हैं जो उनसे भी गए हैं, उनके आए गए कुछ रह गए हैं और भी एक दो होंगे औरों की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। हसनपुर कोतवाली में एक 406-420 IPC का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि किसी व्यक्ति ने जो कि एटा का रहने वाला है, पेट्रोल पंप लगाने के नाम पे 27,50,000 रुपया लिया, पेट्रोल पंप नहीं लगवाया और पैसा भी वापस नहीं किया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। किसके द्वारा सर दर्ज किया? ये हसनपुर थाना क्षेत्र में वहीं के रहने वाले हैं, श्री चंद्रपाल सिंह खड़गवंशी।